हम लोग बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग स्कूल में ग्राउंड पे करते हैं उसी तरीके से हम लोग बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टास्क में नेक्स्ट सेशन से मैं कुछ टास्क आपके लिए लेकर आऊँगा। यहाँ पे जगह है, अगर किसी के पास ऐसी जगह हो तो इस तरीके से आप टास्क बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कैसे टास्क बनाना है उसी के तौर, अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बेसिक एक्सरसाइज, ओके। तो पहले नॉर्मल जंप जैसे हम लोग करते हैं, सिंपल नॉर्मल जंप 10 counts, ओके ओके। देन साइकिलिंग, आगे 90 degrees में लेग आनी चाहिए, साइकिलिंग साइड से देख सकते हैं 90 degrees में आ रहे पे, ओके। अगेन जंप, लेकिन हाई जंप, ओके। इससे आपका ब्रीदिंग पावर बढ़ता है, इम्यूनिटी अच्छा रहता है, ओके। इसके बाद हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, सिंपल है सब, ओके। शिफ्टिंग में ही चेंज, ओके। देन सबसे अच्छा इम्यूनिटी जिससे रहता है, पूरा बॉडी वेट हम लोग जिसके ऊपर लेकर, थाइज से लेके पूरा बॉडी वेट, तो वो एक्सरसाइज करेंगे। सिंपल है, डिस्टेंस ले लो, हाथ आगे करो, ओके। नाउ स्टार्ट, ओके। अगेन 10 count करना है आपको, सब एक्सरसाइज आप लोग 10 count कर सकते हैं, ओके। ये होगा, इसके बाद हैंड्स बैक, हेड रोटेशन, ये भी 10 count कर सकते हैं, दोनों साइड से 10 count करना है, ओके। अप डाउन 10 count, ओके। साइड डाउन, ओके। वन साइड टू अनदर साइड, सब एक्सरसाइज आपको 10 count करने है, ठीक है। हैंड रोटेशन दोनों साइड से करना है, 10 count करना है, आगे और पीछे, ओके। जर्क करना है, थोड़ा डिस्टेंस ले लो, जर्क करना है, हाथ आगे रखो, जर्क करना है, लोअर बॉडी जगह पे ही है, अपर बॉडी सिर्फ मूव कर रही है, ओके। ये हो गया आपका बेसिक। उसके बाद थोड़ा ब्रीदिंग कैसे अपन अपना स्ट्रांग रख सकते हैं, हम लोग ब्रीदिंग कैसे और बॉडी का वेट वगैरह कैसे अपन मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए अपन एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हाथ दोनों ये करके इस तरीके से होल्ड करना है, ओके। 10 count करो, ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। इस तरीके हम बेसिक एक्सरसाइज करके भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेग मूवमेंट करेंगे, ये 90 degrees में भी कर सकते हैं, और अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो ये आगे इस तरीके से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ये आपको मूव करना है, ओके। दोनों साइड से करना है, ओके। लेग चेंज, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज जो ऐसे आपका जो लेग है वो आपको ऊपर लेना है और क्लैप करना है, ओके। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके। थोड़ा जा बीच बीच में आप जंप भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ले लो, ओके। हैंड्स one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10 ये भी कर सकते हैं, ओके। हैंड्स बैक करके हम लोग ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वन, जितना जा रहा है उतना ही करो। वन टू थ्री फोर, 10 काउंट्स करना है ये भी आपको, ठीक है। लेग डिस्टेंस ले लो और वन साइड होल्ड करना है, जितना जा रहा है उतना ही करो। वन टू थ्री फोर फाइव, 10 काउंट्स करो यहाँ पे भी। देन अगेन चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके 10 काउंट करने। आज हम लोग योगा के 5 प्रकार सीखेंगे, सिंपल है, जो आप लोग घर में छोटे से स्पेस में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ पे ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत नहीं, छोटे से स्पेस में भी आप लोग कर सकते हैं। तो पहला जो है आपको लेग क्लोज करना है, ओके। वन टू थ्री, ओके बैक, अगेन वन टू थ्री बैक, ये आप 10 काउंट्स करना है, दोनों साइड से 10 काउंट करना है, ओके। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम लोग जैसे कि सूर्य नमस्कार करते हैं लेकिन पूरा हो नहीं पाता, तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा सूर्य नमस्कार का कैसे कर सकते हैं सिंपल, तो उसके लिए आपका दोनों पैर क्लोज करो। वन टू थ्री, फ्रंट में जाओ, ओके। देन स्लोली बैक, ओके। दूसरे लेग से करना है, वन टू थ्री, देन सेम बैक, ओके। ये भी आपको 10 काउंट्स करने हैं, दोनों साइड से आपको 10 काउंट करने हैं, ओके। छोटे से इसमें भी आप लोग सब ये कर सकते हैं। नीचे जाना है, ओके। आपके जो दोनों हाथ है वो नीचे लेना है ऐसे, ओके। लेग स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा ऊपर लेना नहीं है पैर, स्लोली इतना ही लेना है, ओके। ज़्यादा हो सकता है तो 90 degrees ले सकते हैं, अगर नहीं होता तो इतना लिया तो भी चलेगा, ओके। ये आपको 10 काउंट करना है, 20 काउंट किया तो बेटर है लेकिन 10 काउंट ही करो, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद कपालभाति कर सकते हैं घर बैठे, सबसे बेस्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन लिखिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, ओके। अंदर से आपको सांस लेना है, छोड़ना है, ब्रीदिंग करना है, ओके।
ये आपको कम से कम 50 काउंट तो करना ही है। उसके बाद आप लोग मॉर्निंग सेशन में सबसे बेटर और सबसे अच्छा अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छे आपको राइट से सांस लेना है, होल्ड करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है। ये आप लोग कम से कम स्टार्टिंग में 100 बार और उसमें आगे बढ़ा सकते, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा आपको, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और आखिरी में जो हम लोग सबसे अच्छा एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब एक मेडिटेशन का भी प्रकार है वो, तो हम लोग आग बंद करेंगे, और आपको जैसे सांस खींचना है वैसे आपको ओम बोल के सांस खींचने, तो ये भी आपको कम से कम स्टार्टिंग में 100 बार करना है। इससे आप मेंटली और हेल्थ भी फिट रहते, मेंटली और हेल्थी दोनों तरीके से आप लोग फिट रहते। ओके, तो ये करो आप सब लोग।